बीच बड़ी खबर आ रही है सत्येंद्र जैन से जुड़ी। सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज करा दी गई। एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये शिकायत बीईएल कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा कराई गई है। शिकायत में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दौरान 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया सत्येंद्र जैन पर, और ये पूरा मामला 2019 का बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां सत्येंद्र जैन पहले मुश्किलों में घिरे हुए थे और उसके बाद एक और गंभीर और संगीन आरोप उन पर लगाया जा रहा है कि बीईएल के एक कर्मचारी द्वारा ये लगाया गया, पूर्व कर्मचारी है, जिसमें कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के दौरान 7 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई है। को भनक लगे बिना पुतिन का नाइट हंटर अपने टारगेट का शिकार कर सकता है। और उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 47 साल के आरोपी का नाम हरीश चंद्र बताया गया, जो दिल्ली के संगम विहार इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के वक्त नशे में था। छेड़छाड़ की पूरी घटना एम्स अस्पताल के सामने की बताई गई। आरोप है कि हरीश चंद्र ने अपनी कार के भीतर से स्वाति मालीवाल की ओर गंदे इशारे किए और उन्हें कार से 15 मीटर तक घसीटा। इस बीच उत्तर कोरिया से तनातनी के बीच दक्षिण कोरिया ने अपने KF-21 लड़ाकू विमान की ताकत बढ़ाकर उसका सफल परीक्षण किया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उत्तर कोरिया ने पिछले एक साल में दक्षिण कोरिया को डराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, और इसके लिए किम जोंग उन ने एक के बाद एक कई खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट किया। और इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तब वो परमाणु ताकत वाली मिसाइलों के भी परीक्षण में जुट गए। इसी वजह से दक्षिण कोरिया भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा, और अब उसने अपने KF-21 लड़ाकू विमान को इतना दमदार बना दिया कि उसने पहली बार आवाज की रफ्तार को भी मात दे दी। असल में उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे को देखते हुए दक्षिण कोरिया को इस तरह के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है, ताकि वो पलक झपकते ही दुश्मन के हथियारों को ढेर कर सके। किम का गुस्सा तभी से सातवें आसमान पर है जब से दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करनी शुरू की है। पिछले साल वो कई बार अमेरिकी सैनिकों के साथ युद्ध का अभ्यास कर चुका है। इधर पहलवानों के कुश्ती संघ पर लगाए गए आरोपों के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है, और उसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटे में जवाब मांगा, क्योंकि देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कई कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। इन खिलाड़ियों में कई ऐसे खिलाड़ी भी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत का नाम रोशन किया। इन्हीं खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया और दावा किया कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, तो मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। इन आरोपों का जवाब देने के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी सामने आए। ये एक परिवार का आंदोलन है, गिने चुने लोग हैं, इसमें कुछ झगड़ा फेडरेशन का भी है। इस बीच खेल मंत्रालय भी एक्शन में आ गया और उसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मामले पर 72 घंटे में जवाब मांग लिया। सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो फेडरेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।